आते ही बड़ा वार्म वेलकम हुआ है मेरा, जबरदस्त किस्म का। लाहौर एयरपोर्ट पे भी बाहर निकल रहा था तो वो स्कैनर में से बैग गुजारते हैं, वो गुजारा उन्होंने टक 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 बजाया कि इस बैग को चेक किया जाए। उसमें से ड्रोन, उन्होंने कहा जी इसमें ड्रोन है, ये तो नहीं जा सकता। मैं कहा खैरियत है, क्या वजह, क्यों नहीं जा सकता? नहीं नहीं, ड्रोन तो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ने अलाउ नहीं किया, आप ड्रोन नहीं पाकिस्तान के अंदर एंटर कर सकते। मैंने कहा ये मेरा पर्सनल यूज है, मैं ड्रोन लेके जाता हूँ, हमेशा लेके वापस आता हूँ, इतने खूबसूरत ड्रोन शॉट्स में लेता हूँ इससे और हमेशा वापस आता है मेरे साथ, कितने 10 11 12 मुल्क में फिर लिए। नहीं जी ये पता नहीं, आप पहले बचते रहे होंगे जी, ये तो अलाउ नहीं। मैं बड़ा हैरान कि यार मुझे इतना, मेरा ट्रैवल हो गया, मैं हमेशा ड्रोन लेके जाता हूँ, हमेशा वापस लेके आता हूँ, तो ये किस तरह मतलब बचता रहा हूँ मैं, ये बात मुझे समझ नहीं है। तो कहते नहीं जी वो पहले कभी डिटेक्ट नहीं हुआ होगा, आज डिटेक्ट हो गया है, तो ये सिक्योरिटी रीजंस हैं। वो ड्रोन उन्होंने रख लिया काफी हैवी सिक्योरिटी की वजह से। आप अंदाजा लगाओ यार, कसम से 20-22-23 दिन बाद पाकिस्तान वापस आया मैं, आते ही इतना एक खूबसूरत किस्म का वाकया पेश हुआ। तो अब वो एक ड्रोन कीमती चीज है और आपको अफसोस होता है कि दुनिया किस तरक्की पे जा रही है, कहाँ कहाँ किस किस मुल्क में मैं इस ड्रोन को लेके गया हूँ, वहां से लेके निकला हूँ, मेरे पर्सनल यूज की चीज है, कोई किसी ने आज तक मुझसे नहीं पूछा। यहाँ आते ही फिर वो जब ये चीजें देखने को मिलती हैं तो फिर अक्सर लोग कहते हैं कि जी है तो हमारा मुल्क, मेरे लिए भी मुल्क मेरा भी है, मुझे भी इससे मोहब्बत है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है।